दोस्तों, आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं यह है प्यार में। एक लड़की जो प्यार होता है, 15 साल की उम्र में स्कूल जा रही थी, स्कूल जाते समय उसके साथ जो घटना घटता है, यानी ऐसा घटना घटित होता है जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ सुधा तिवारी आपके साथ। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, यह वाक्या है 2020 की, जब यानी कल्पना नाम की एक लड़की यानी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल यानी गोविंदपुरी इलाके में, वहाँ ये पढ़ रही थी। वहाँ से गोविंदपुरी इलाके की लड़की थी, वहीं पढ़ रही थी। लेकिन एक दिन कल्पना स्कूल जाती है, स्कूल जाने के बाद स्कूल नहीं, ना तो वो स्कूल पहुँचती है, ना शाम को वो यानी यहाँ 1 बजे छुट्टी होती है, 1 बजे वो घर पहुँचती है। जब कल्पना इसको घर नहीं पहुंचती है, उसके माँ बाप परेशान होते हैं, ढूंढना चालू करते हैं, यानी पुलिस को कंप्लेन देते हैं। पहले तो शाम तक इंतज़ार करते हैं कि शायद हमारी बेटी किसी दोस्त के घर हो या किसी सहेली के घर हो, शायद वो शाम तक वापस आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कल्पना वो वापस नहीं आती है। तो उसके दूसरे दिन उसके माँ बाप थाने में जाते हैं, एक कंप्लेन देते हैं, और कंप्लेन देने के बाद पुलिस छानबीन करना चालू करती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है उसका। एक जब उसकी यानी ऐसा होता है कि घर में वो फ़ोन भी चलाती थी, लेकिन जब स्कूल जाती थी तो स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए वो अपना फ़ोन घर पे रख जाती थी, उसके कॉल डिटेल निकाले जाते हैं, लेकिन उससे कुछ ऐसा खास सबूत नहीं मिलता है। दिन बीतते माँ बाप भी हार जाते हैं कि शायद हमारी लड़की कहीं चली गई या उसके साथ कोई घटना घटित हो गई। उनके हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि माँ बाप भी गरीब होते हैं, इतना पैसा नहीं होता है, वो केस रफा दफा यानी बंद कर दिया जाता है। 2020 से 2020 बीतता है, 2021 बीतता है, 2022 बीतता है, 2023 बीतता है, 2024 लग जाता है। एक लड़का रेड लाइट एरिया में जाता है, और वो चारों तरफ, वैसे लड़का भी ज़्यादा उम्र का नहीं होता है, लगभग 20 या 22 साल का लड़का होता है। रेड लाइट एरिया में जाता है, और वहाँ जाने के बाद सोचता है सबका टाइम पास हो जाता है, लेकिन मैं भी आज जाके देखता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे लोग लोभित हो जाते हैं, जिसका टाइम पास हो जाता है और खुश रहते हैं। वो भी जाता है तो हर जगह यानी देखता है, वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ इशारे करती रहती हैं, बुलाती रहती हैं, लेकिन वो देखता हुआ ऐसे चला जाता है। फिर सोचता है लाओ जाके देखता हूँ एक जगह, आखिर ऐसा होता है यहाँ क्या है। ऊपर जाता है तो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो वहाँ, जो एक उसकी कहते हैं स्टाफ की जो सीनियर होती हैं, वो भी बैठी होती हैं। वो कहती हैं यहाँ क्यों आया है, तो वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ, कहता है चिकना लग रहा है, अच्छे घराने का लग रहा है, यहाँ आखिर तू क्यों आया है। बोलता आज मैं भी टाइम पास करने, क्योंकि मेरे भी दिमाग में टेंशन चल रहा था, इसलिए हम भी टाइम पास करने के लिए यहाँ चले आए हैं। जब टाइम पास करने के लिए आए हैं तो बोलता है टाइम पास करने के लिए तो यहाँ कुछ नहीं है, अगर कुछ चाहिए तो जैसा डिमांड होगा वैसा पैसा लगेगा, और यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, इसमें से जो भी चाहिए उनके अलग अलग रेट हैं। वो कहता है इसमें से तो कोई पसंद नहीं, इससे कोई अच्छी हो तो दिखाओ। कहती है ठीक है, अभी 10 मिनट वेट कर, अभी एक लड़की आपको इससे अच्छी, लेकिन उसका रेट बहुत हाई लगेगा, उसका रेट यानी 1 घंटे का चार्ज कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे। वो कहता है ठीक है दिखाओ, क्योंकि जो लड़का 20-22 साल का होता है, अच्छे घराने का होता है, पढ़ा लिखा होता है, और अच्छी यानी इंजीनियरिंग कर रहा होता है, अच्छी जॉब लगी होती है, मैनेजर की जॉब लगी रही होती है, अच्छा खासा पैसे वाला होता है। एक दिन वो लड़की को दिखाता है, लड़की को देख कर बहुत चक्का हो जाता है, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, यानी उसकी इतनी खूबसूरती उसकी झलक रही थी कि हीरोइन भी फेल थी। जब वो लड़की देखता है, एक ही नज़र में उसे प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद वो जाके बैठता है, उससे बातें करता है, लेकिन उससे बातें करते करते फिर कहता है अब मेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। जाता है, अपना 5,000 रुपये भी जमा करता है, फिर उसने संडे के दिन फिर जाता है। फिर जाने के बाद वो ऐसे ऐसे देखता रहता है, उसके बाद में हर संडे को 5,000 देता है। एक दिन ऐसा होता है कि एक संडे ऐसा आता है जिस दिन वो नहीं पहुंचता है,
तो जो कल्पना होती है, कल्पना मन ही मन सोच रही कि आखिर यानी लड़के का नाम संजय होता है, संजय आया नहीं, आखिर क्यों नहीं आया। वो भी नजरें इधर उधर देखती रहती है कि आज संजय नहीं आया, आज उसका आने का टाइम था, इधर उधर देखती, यानी दो तीन संडे ऐसा निकल जाता है जिसमें संजय नहीं पहुंचता है। कल्पना बहुत दुखी होती है। दुखी होने के बाद एक दिन ऐसा आता है, यानी एक महीने के बाद संजय फिर पहुंचता है, और जैसे कल्पना ऊपर छत से देख रही होती है, जैसे संजय को आता हुआ देखती है, दौड़ के जाके उसे गले लग जाती है, और लगने के बाद हाथ पकड़ कर ऊपर लाती है और कहती है, पानी पियोगे, इतना दिन आखिर कहाँ थे आप। तो कहता है, मैं काम था, मेरा कंपनी में थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए मैं बिजी हो गया था, लेकिन आप इतना क्यों परेशान हो रही हो। तो कहती है, आपको मैंने देखा नहीं, लगभग एक महीना हो गया, तो मुझे बेचैनी सी हो रही थी, मैं हर संडे को आपका इंतज़ार करती थी, लेकिन आखिर आप आए नहीं, चार संडे गुजार दिए, मेरे ऐसे दिल पे क्या बीत रही होगी जो आप नहीं आए। आपका नंबर भी नहीं था मेरे पास जो मैं आपसे बात करती, आपसे फ़ोन करती। वो भी कहता है कि आपके यहाँ का पैसा आखिर ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं आया। फिर वो एक दिन ऐसा होता है, उसे आते आते लगभग चार पाँच महीने बीत गए थे, एक दिन उससे कहता है कि हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बोलती है, बोलो। कहती है, आखिर आप यहाँ पहुँची कैसे, आप बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। तो उसने अपनी दास्तान उससे बताने लगी, रोने लगी कि मैं यहाँ की लड़की हूँ और मेरे माँ बाप गोविंदपुरी में रहते हैं, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते एक दिन मैं स्कूल से जा रही थी, तब तक एक गाड़ी आता है और मैं उस गाड़ी में मुझे ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं, बैठाने के बाद मुझे पता नहीं क्या नशे की दवाई दे मेरे मुंह पे कुछ रखते हैं जिससे मैं बेहोश हो जाती हूँ। अब आने के बाद मैं जब मेरी आँख खुलती है तो मैं ऐसी जगह मिलती हूँ जहाँ जहाँ से मैं निकल ही नहीं पाई। आज तक बहुत बार मैंने भागने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं यहाँ से यानी निकलने में सक्सेसफुल नहीं हुई। यहाँ कहते हैं कि लोग निकलने की अगर जो कोई भागने की कोशिश भी करता है तो उसे मारते हैं, पीटते हैं, ऐसी कोठरी में बंद कर देते हैं जहाँ तक गर्मी है इतनी। यानी पुलिस वाले भी यहाँ आते हैं, वो भी गलत करते हैं और गलत कर कर चले जाते हैं, तो फिर उम्मीद किससे लगाई जाए। ऐसा वो सुनता है, एड्रेस भी मिल जाता है उसे, और एड्रेस मिलने के बाद वो जो लड़का होता है वो गोविंदपुरी जाता है, और गोविंदपुरी में जाने के बाद वो स्कूल में जाता है, वहाँ से भी डिटेल लेता है, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे वो किराए पे रह रहे थे, इसलिए उनका प्रॉपर एड्रेस यानी यहाँ का नहीं मिला। तो वो स्कूल में जाते हैं, वहाँ फ़ोन नंबर होते हैं, जब फ़ोन नंबर लेता है, वहाँ फ़ोन नंबर लेने के बाद फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद फ़ोन लग जाती है। वो जब बातें कर स्कूल में जब बातें करते हैं, क्योंकि जो लड़की थी उसे जो अपने घर का फ़ोन नंबर था वो भी शायद अपने मुँह ज़बानी याद नहीं था, या फिर इतना गौर नहीं दी, क्योंकि नंबर वैसे देख कर याद कर ले, स्कूल में था उसका नंबर, वहाँ से नंबर लेती है। और नंबर लेने के बाद जब वहाँ फ़ोन करते हैं तो उसके जो पापा होते हैं, उसके फादर होते हैं, वो फ़ोन उठाते हैं, और फ़ोन उठाने के बाद बात करते हैं। तो जब वो लड़का कहता है कि यानी हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसका पिता कहता है, क्या बात है, ऐसा क्या कोई बात है। कहता नहीं, हम मिलना चाहते हैं, मिलने के बाद ही आपसे हम सारी बातें करेंगे। मिलता है, और वो सारी जितनी भी उस लड़की के साथ घटित हुई थी, जो भी उसने बातें करी थी, वो सारा बताता है, और कहता है कि लड़की वहाँ से निकलना चाह रही है क्योंकि उसी ने मुझे एड्रेस दिया था और अपने रोल नंबर वगैरह सारा कुछ दिया था, लेकिन आप किराए पे रह रहे थे, मैं उस एड्रेस पे भी गया था, लेकिन उस एड्रेस पे आप नहीं मिले, तो मैं यानी कल्पना के स्कूल गया। स्कूल में जाने के बाद वहाँ से
आपका नंबर लिया और नंबर लेने के बाद मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ, आपकी लड़की रेड लाइट एरिया में है और उसके साथ ऐसे ऐसे घटना घट रहे हैं। बहुत परेशान होता है, परेशान होने के बाद वो जो पिता होता है वो पुलिस का सहारा लेता है और पुलिस के सहारा लेने के बाद वो रेड लाइट एरिया में जाता है, वहाँ से किसी तरीके से उसे लाता है। लाने के बाद वो लड़का कहता है उस पिता से कि आखिर, वो बाप भी कहता है कि आखिर अब हमारी लड़की को कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन इससे शादी करेगा। तो लड़का कहता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं अच्छी पोस्ट पे हूँ, हमारे 1.5 लाख रुपए लगभग मैं सैलरी है, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, गाड़ी भी है, बंगला भी है, यानी हमारे पास सब कुछ है, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपकी लड़की से शादी करना चाहते हैं। पिता भी बहुत खुश हो जाता है और कल्पना और संजय की शादी हो जाती है, अच्छे से प्यार करते हैं। अभी जो कल्पना ने हमें इस बात का कहा था कि हमारी स्टोरी भी लगाएं, अब कल्पना और संजय के 2 बच्चे भी हैं, उन्होंने कहा था मैम हमारी स्टोरी लगाएं, लेकिन ये जो ओरिजिनल कल्पना और संजय का नाम हमने दिया है, ये नाम हमने छुपा के दिया है, क्योंकि ये नाम फेक नाम है, ओरिजिनल नाम हम नहीं देंगे उनका, क्योंकि जो रेड लाइट एरिया की बात आ जाती है इस वजह से। इस कहानी में आपका क्या राय है, इस कहानी से आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।